हे गाइस वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन में कस्टम एक्सेप्शंस की। तो हम खुद की एक्सेप्शंस भी बना सकते हैं पाइथन में। आज उसी की बात करेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो हम खुद की एक्सेप्शंस अपने कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है वैलिडेट। ये फंक्शन क्या है, वैलिडेट कर रहा है नेम, और उसके बाद अगर जो नेम है उसकी लेंथ क्या हुई, 8 से कम हुई, तो मेरे पास एक एरर रेज हो जाएगा, वैल्यू एरर। उसमें हम मैसेज देंगे नेम इज़ टू शॉर्ट। अब क्या करना है, अब मैंने नीचे क्या किया, यूज़र से इनपुट ली, ठीक है, उसके बाद मैंने वैलिडेट किया। वैलिडेट किया मतलब चेक किया कि क्या जो ये यूज़र नेम इनपुट करेगा क्या उसकी लेंथ 8 है, 8 से ज़्यादा है। और उसके बाद अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे पास एक एरर आ जाएगी, नहीं तो मेरे पास एक लाइन प्रिंट हो जाएगी हेलो। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। तो एंटर योर नेम फॉर एग्जाम्पल हर्षित। तो अभी मेरे पास क्या आ रहा है, वैल्यू एरर आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू एरर में, इस वैल्यू एरर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं यूज़र को यहाँ पे वैल्यू एरर की जगह यहाँ पे कुछ और प्रिंट कराऊँ, फॉर एग्जाम्पल नेम टू शॉर्ट, या कुछ ऐसा प्रिंट कराऊँ नेम टू शॉर्ट एरर, तो इससे यूज़र को रीड करने में और आसानी होगी। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे लिखना है, मुझे यहाँ पे नेम टू शॉर्ट एरर, मुझे इस एरर को रेज करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक क्लास बना सकता हूँ और मैं उस क्लास का नाम रख सकता हूँ नेम टू शॉर्ट एरर, और उस क्लास में मैं इनहेरिट कर सकता हूँ अपनी वैल्यू एरर क्लास को, या किसी भी क्लास को मैं इनहेरिट कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे इस टाइम पे सबसे बेस्ट रहेगी जो वैल्यू एरर। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं, मेरे को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे सिंपली पास लिख सकता हूँ। मतलब हमने एक क्लास बना दी और उस क्लास में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैं इनहेरिट कर रहा हूँ वैल्यू एरर को, वैल्यू एरर क्लास को। ये वैल्यू एरर भी एक क्लास है पाइथन में, तो मैंने इसको इनहेरिट किया और कुछ नहीं किया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं वैल्यू एरर की जगह नेम टू शॉर्ट एरर रेज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अब देखिए, एंटर योर नेम, तो यहाँ पे नेम टू शॉर्ट एरर रेज हो रहा है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ, तो अब देखिए अब मेरे पास कोई एरर रेज नहीं हो रहा। आई होप आपको पता लग चुका होगा कि हम पाइथन में कस्टम एक्सेप्शंस क्यों बनाते हैं। काफ़ी छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ चुका होगा।